हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार फ्रेंड्स आज की क्लास में स्पेलिंग मिस्टेक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स यदि आप चैनल पर न्यू है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें आइकन को भी प्रेस कर लें माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों शंबल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सपोर्ट करें सेशन कैसा रहता है सेशन के विषय से में अपना फीडबैक अवश्य दें आप लोग कितना स्कोर करते हैं अपने स्कोर को भी मैंशन करें चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग इन इफेक्चुअल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी रिस्पॉन्स इमीडिएटली करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इनफेक्चुअल इनफेक्चुअल इन होता है अप्रभावशाली जिसका कोई प्रभाव ना हो करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी 150 की बात करें ऑप्शन ए राइट होगा इनफेक्चुअल ध्यान रखना आई एन ई डबल एफ ई सी टी यू ए एल ध्यान रखना इसमें आई एन आएगा फिर ई डब्लू एफ ई सी टी इफेक्ट टी यू ए एल इफेक्चुअल ओके मीनिंग होती अप्रभावशाली या जिसका कोई प्रभाव ना हो गॉट इट ऑप्शन ए राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी वन को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग सिमेट्री सिमेट्री की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी सिमेट्री मींस होता है कब्रिस्तान बरियल ग्राउंड रिस्पॉन्स करिए करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 151 की बात करें तो ध्यान रखना ऑप्शन सी राइट होगा ओके okay, ध्यान रखना सी ई एम ई टी ई आर वाई सिमेट्री मीनिंग होती कब्रिस्तान या फिर बलियर ग्राउंड ओके ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग रेसोसिटेट रेसोसिटेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है इसको रिस्पॉन्स करिए रेसोसिटेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी इसके मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है पुनर्जीवित करना या रिवाइव करना ओके आप कह सकते हैं रिवाइव या पुनर्जीवित करना करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी रिस्पॉन्स इमीडिएटली वन फिफ्टी टू वन फिफ्टी टू की बात करें ध्यान रखना ऑप्शन ए राइट होगा ओके okay. ध्यान रखना आर ई एस यू रेशू ओके okay. फिर यस सी आई टी ए टी ई इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है आर ई एस यू रेशू यस सी आई टी ए टी ई -E, रेसोसिटेट मीनिंग होती है रिवाइव करना या पुनर्जीवित करना ऑप्शन ए राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी थ्री को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी वन फिफ्टी थ्री इजी वन है पॉलिटेक्निक ऑप्शन डी राइट हो जाएगा ओके okay. पी ओ एल वाई पॉली टेक्निक टी ई सी एच एन आई सी ऑप्शन डी राइट होगा नेक्स्ट 154 को रिस्पोंस करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग गिलोटाइन गिलोटिन की करेंट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी ग्लोटीन ग्लोटीन की मीनिंग की बात करें तो ग्लोटीन मीन्स होता है कागज काटने की मशीन करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी वन फिफ्टी फोर वन फिफ्टी फोर की बात करें तो ध्यान रखना ऑप्शन सी राइट हो जाएगा ओके जी यू जी यू आई डबल एल ओ टी आई एन ई ग्लोटिन ओके इम्पोर्टेंट है पूछी जा सकती ध्यान रखना मीनिंग होती है कागज काटने की मशीन ऑप्शन सी राइट हो जाएगा नेक्स्ट वन फिफ्टी फाइव को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग एन विंडोज एन इंडोज की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी वन फिफ्टी फाइव क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी फाइव की बात करें तो ध्यान रखना ऑप्शन बी राइट होगा ओके आई डबल एन यू ई एन डी ओ ई एस इन विंडोज इसमें डबल एन आएगा आई डबल एन यू ई एन डी ओ ई एस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 156 फिफ्टी सिक्स को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग रिहर्सल रिहर्सल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी रिहर्सल right होता पुनर्भ्यास करना रिस्पॉन्स करिए करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ए राइट होगा बी राइट होगा सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा 156 क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी सिक्स की बात करें ध्यान रखना ऑप्शन ए राइट होगा कंफ्यूज नहीं होना इम्पोर्टेंट है पूछी जा सकती है आर ई प्लस इसी में कर देना हियर एच ई ए आर प्लस इसी में कर देना एस ए एल रिहर्सल ओके आर ई एच ई ए आर एस ए एल रिहर्सल मीनिंग होती है पुनर्भ्यास करना ओके okay? या पूर्व अभ्यास आप कह सकते हैं पूर्व अभ्यास ओके ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर वन फिफ्टी सेवन को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी वन फिफ्टी सेवन क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी मीन्स होता है जिज्ञासा करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी वन फिफ्टी सेवन जिज्ञासा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा वन फिफ्टी सेवन का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ध्यान रखना सी यू आर आई ओ यस आई टी वाई क्यूरियोसिटी सी यू आर आई ओ एस आई टी वाई क्यूरियोसिटी मीनिंग होती जिज्ञासा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 158 फिफ्टी को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी एंटीसीडेंट के मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती पूर्व पद पूर्व पद करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी 158 की बात करें ऑप्शन डी राइट होगा ध्यान रखना ए एन टी ई सी ई डी ई एन टी एंटीसीडेंट मीनिंग होती पूर्व पद ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन फिफ्टी नाइन को रिस्पॉन्स करिए चूज द रोंगली स्पेल्ट वर्ड किस वर्ड की स्पेलिंग रोंग है ध्यान रखना यहां पर रोंग पूछा गया है किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है मीन्स रोंग है सक्सेवली की करेक्ट नहीं है अकॉइंटेंस की करेक्ट नहीं है कमिश्नर की करेक्ट नहीं है या फिर एग्जेक्टरेट की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है 159 को रिस्पॉन्स करिए करेक्ट आंसर क्या होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 159 की बात करें सक्सेवली की स्पेलिंग करेक्ट है अकवाइंटेंस की स्पेलिंग करेक्ट है एग्जैरेट की स्पेलिंग करेक्ट है यहाँ पर रोंगली स्पेल पूछा गया है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा कमिश्नर की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है ओके कमिश्नर की स्पेलिंग में मिस्टेक है करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ध्यान दीजिए यहाँ पर डबल एन नहीं आएगा सिंगल एन आएगा सी ओ डबल एम आई डबल एस आई ओ एन ई आर ध्यान रखना यहाँ पर सिंगल एन आएगा ना कि डबल एन कमिश्नर में सी ओ डबल एम डबल एस ओके डबल एम आएगा डबल एस आएगा बट डबल एन नहीं आएगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी को रिस्पॉन्स करिए चूज द रोंगली स्पेल्ड वर्ड किस वर्ड किश की स्पेलिंग रॉन्ग है डेलीवरेट की रॉन्ग है एवरेशन की रोंग है मेडिटेशन की रॉन्ग है सिटिंग की स्पेलिंग रॉन्ग है वन सिक्सटी क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी की बात करें तो डेली ब्रेड की स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है ऑबरेशन की स्पेलिंग करेक्ट है नव सिटिंग की स्पेलिंग यहाँ पर करेक्ट है नव सिटिंग मीन्स होता है वोमिट जैसा ओके okay. या उल्टी जैसा महसूस करना यहाँ पर रॉन्गली स्पेलिंग पूछी गई इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा वंस अगेन ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर मेडिटेशन की स्पेलिंग में मिस्टेक है करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ध्यान दीजिए एम ई डी आई टी ए टी आई ओ एन मेडिटेशन ध्यान रखना यहां पर ई e आएगा ना कि ओके एम ई डी आई टी ए टी आई ओ एन मेडिटेशन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट वन सिक्सटी वन को रिस्पॉन्स करिए चूज द रोंग्लिश स्पेलिंग किस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है डेमागोक की स्पेलिंग रॉन्ग है डिलीवरेंस की स्पेलिंग रॉन्ग है डिलिंगसी की स्पेलिंग रॉन्ग है डिलीवरेटिव की स्पेलिंग रॉन्ग है वन सिक्सटी वन को रिस्पॉन्स करिए करेक्ट आंसर क्या होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिस्पॉन्स इमीडिएटली ध्यान रहे यहां पर रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है किस वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है करेक्ट नहीं है 161 की बात करें डेमागो की स्पेलिंग करेक्ट है ओके okay, डिलिंग की की स्पेलिंग करेक्ट है डिलीवरेटिव की स्पेलिंग करेक्ट है यहाँ पर जो रोंगली रॉन्गलिशेल्ड वर्ड है ऑप्शन बी डिलीवरेंस की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी डी ई एल आई वी ई आर ए एन सी ई डिलीवरेंस ध्यान रखना यहाँ पर डी ई एल आई वी ए ए नहीं आएगा क्या आएगा ए e आएगा डी ई एल आई वी ई आर ए एन सी ई डिलीवरेंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 161 का ऑप्शन बी राइट होगा नेक्स्ट 162 को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग मार्की की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी मार्की ऑप्शन ए करेक्ट होगा बी करेक्ट होगा सी करेक्ट होगा या फिर डी करेक्ट होगा मार्की इसकी मीनिंग की बात करें तो इसकी मीनिंग होती है शामियाना शामियाना या बहुत बड़ा टेंट आप कह सकते हैं तंबू इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है रिस्पॉन्स करिए ऑप्शन ए राइट होगा बी राइट होगा सी राइट होगा या फिर डी राइट होगा माकी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ओके एम ए आर क्यू यू डबल ई ध्यान रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी थ्री को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग डिसकंसर्टिंग की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी रिस्पॉन्स इमीडिएटली करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डिसकंसर्टिंग वन सिक्सटी थ्री को रिस्पॉन्स करिए क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी थ्री की बात करें ध्यान रखना ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसकी मीनिंग होती चिंताजनक चिंताजनक करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी डी आई एस सी ओ एन सी ई आर टी आई एन जी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर मीनिंग होती चिंताजनक क्वेश्चन नंबर वन सिक्सटी फोर को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है अकोस्टिक की स्पेलिंग करेक्ट है नारकोटिक की करेक्ट है पेसिमिस्ट की करेक्ट है या फिर परमानेंट की स्पेलिंग करेक्ट है 164 को रिस्पॉन्स करिए इन फोर ऑप्शन में से किस वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है रिस्पॉन्स इमीडिएटली अकोस्टिक मिस होता है स्टडी ऑफ साउंड स्टडी ऑफ साउंड ध्वनि का अध्ययन ऑप्शन ए राइट हो जाएगा अकोस्टिक की स्पेलिंग यहाँ पर ओके है ऑप्शन इज द राइट आंसर नार्कोटिक की स्पेलिंग करेक्ट क्या होगी ध्यान दीजिए एन ए आर सी ओ पी आई सी नार्कोटिक पैसिमिस्ट की पी ई डबल एस आई एम आई एस टी पैसिमिस्ट पैसिमिस्ट में यहाँ पर डबल एस आएगा परमानेंट की स्पेलिंग पी ई आर एम ए एन ई एन टी परमानेंट परमानेंट में यहाँ पर एन ए एन टी नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा एन ई एन टी आएगा ओके आर यू गेटिंग माई पॉइंट वन सिक्सटी फोर का ऑप्शन ए राइट होगा नेक्स्ट वन सिक्सटी फाइव को रिस्पॉन्स करिए चूज द करेक्ट स्पेलिंग होरोस्कोप हॉरस्कोप की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी रिस्पॉन्स इमीडिएटली हॉरोस्कोप मीन्स होता है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी वन सिक्सटी फाइव को रिस्पॉन्स करिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा एच ओ आर ओ एस सी ओ पी ई होरस्कोप ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फ्रेंड्स आज की क्लास कैसी रही आप लोगों ने कितना स्कोर किया प्लीज आप लोग क्लास के विषय में अपना फीडबैक अवश्य दें यदि आप चैनल पन्नी हुए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें थैंक यू वेरी मच